अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज एंड कंडक्शन के बारे में और फंडामेंटल लॉस के बारे में कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए किस तरह का सामना करना पड़ता है, किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कितनी जद्दोजहद के बाद वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है उसे। तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं चार्ज एंड कंडक्शन। चार्ज एंड कंडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, और उससे उस एटम को कोई चार्ज गेन करना है, तो आपको पता होगा अगर कोई चार्ज गेन करता है कोई एटम, ठीक है, तो उसके पास जो है नेट चार्ज क्या हो जाता है क्योंकि उसने गेन किया है। अब हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरह से कि अगर मेरे पास मान लें कि एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे मौजूद प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, वो बराबर है, इक्वल है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर किसी एटम के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं उसके न्यूक्लियस के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, इट्स मीन कि वो एक न्यूट्रल स्टेट पे है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है जिसकी वजह से वो न्यूट्रल बन चुका है, वो उस एटम को हम न्यूट्रल एटम कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही न्यूट्रल एटम किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो क्या होगा कि पहले इसके पास, मान लेते हैं इसके पास 4 प्रोटॉन थे और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने एक गेन कर लिया, मतलब कि एक ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो इट्स मीन कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेट चार्ज उसके पास नेगेटिव आ जाएगा, नेट, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद एक बढ़ गई है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से हमारे पास नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव वन आ जाएगा, ठीक है। और इसी का अगर हम वाइस वर्सा करें कि हमारे पास कोई ऐसा इक्वल अमाउंट में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी एटम में और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है, डोनर बना हुआ बेचारा, वो डोनेट कर रहा है। अब जब वो डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे, अब उसने एक दे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने ज़ाया कर दिया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, जो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इट्स मीन कि अब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो 3 बच गई, ठीक है, 3 बच गए इलेक्ट्रॉन, उसके पास 3 बच गए और इलेक्ट्रॉन 3 बचने की वजह से प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ गए। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। इस तरह से हमारे जो चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर किसी एटम के ऊपर हमारे पास चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव है, इट्स मीन कि उसने, अगर नेगेटिव है तो उसने गेन किया कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे से, अगर -2, -3 कोई भी एटम के ऊपर अगर -2 और -3 इस तरह से लिखा हुआ है तो वो नंबरिंग बता रही है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए और साइन बता रहा है कि उसने गेन किया है या किसी को डोनेट किया, ठीक है, ये बात हो गई। तो अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल लॉस की। अगर फंडामेंटल लॉस में हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लेवल को हाई करना हो, एनर्जी लेवल बढ़ा के एनर्जी लेवल गैप को जम करना हो, तो क्या उसके ऊपर क्या क्या लॉज लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉज देख लेते हैं कि किस तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो एटम के जो लॉज होते हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं हम डिटेल में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन एन ऑर्बिट शेल। इलेक्ट्रॉन जो है वो सलाहियत रखता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाने के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई कह रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन इससे इस ऑर्बिट में जम कर गया, तो आप कहेंगे ये कैसा मजाक है, नहीं ये नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जा सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन एन ऑर्बिटल शेल।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ईच ऑर्बिटल शेल रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी रेंज। हर एक ऑर्बिट का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी रेंज होगा, एक एनर्जी लेवल होगा। जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंच सकता, वो उस वक्त तक उस ऑर्बिट को क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंडीशन होती है इस इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने की, तो वो कंडीशन ये है बेसिकली कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी जो और जिस ऑर्बिट में वो जाना चाहता है उसकी एनर्जी लेवल उसके पास इतनी ऑब्जर्व होनी चाहिए, तभी वो उस एनर्जी लेवल तक को क्रॉस कर सकेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ईच ऑर्बिटल शेल रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी रेंज। ठीक है, हर एक की अपनी एनर्जी रेंज है, उस एनर्जी रेंज तक पहुंचने के बाद ही एक इलेक्ट्रॉन जम करके उस ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है कि एक एनर्जी लेवल किसी इलेक्ट्रॉन को जम करने के लिए, वही बात आ जाती है, जम करने के लिए कोई एनर्जी, इनफ एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर ये है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसके इस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसे इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए कि वो यहाँ पहुँच सके। जैसे कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो उसके पास मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके पास है ऑलरेडी, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पावर और ज़्यादा होनी चाहिए, उसके पास एनर्जी और ज़्यादा मज़ीद होनी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, आई मीन टू से कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, तभी वो इस एनर्जी लेवल तक पहुँच सकेगा। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जम्प इट ऑब्जर्व इनफ एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जम्प करना है तो उसे चाहिए एक उतनी एनर्जी मौजूद होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ज़ाया करके इस शेल में जाना चाह रहा है, मान लेते हैं मैंने अभी आपको अज्यूम करने कहा था, अजम्पशन का कहा था कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है मेरे पास और यहाँ जो पावर है एनर्जी लेवल है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अगर वो ऑर्बिट से कंडक्शन बैंड में जाना चाह रहा है, तो उसके क्या करना होगा कि उसके पास मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उसके पास, ठीक है, अब वो जाना चाह रहे ऊपर अपनी एनर्जी। जब कोई चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो एनर्जी वेस्ट भी तो करती है। अगर हम थोड़ी सी जगह यहाँ से यहाँ का फासला तय करेंगे थोड़ा सा, तो हम अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। ठीक है, जब हमारी एनर्जी लॉस हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, हमारी एनर्जी कम होने की वजह से हम थकन फील करते हैं, एज ए ह्यूमन बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसे ही अगर हम एटम की बात कर लें, एटम को देखा जाए तो एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। जब वो इस एनर्जी को जम एनर्जी लेवल को जम करके दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा था, तो उसने अपनी एनर्जी वेस्ट की ना, एनर्जी को ही तो वो यूटिलाइज़ कर रहा था। अब वो एनर्जी को यूटिलाइज़ करके वहाँ जाएगा, उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगाई, उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगा के वो जब ऊपर गया, तो उसने अपनी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो तो ज़ाया कर दी। जब वो ज़ाया कर दी तो वो वापस उसी ऑर्बिट में आके गिर जाएगा। समझ आई बात? यार ये बहुत आसान है। देखो ना, एक के पास हमारे पास एक ऑर्बिट था, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। ठीक है, उसमें होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी। जिस इलेक्ट्रॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, वो वही इसमें ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा।
अगर वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अब उसे चाहना है आगे एनर्जी लेवल बढ़ानी है अपनी, ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए उसे इनफ एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मान लो उसके पास कोई एनर्जी कहीं से आ गई, जब उसके पास एनर्जी आ गई तो वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। जब वो एक्साइटेड हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके वो आगे एनर्जी लेवल में जम कर जाएगा। जब वो जम करने की कोशिश करेगा तो वो जम करेगा, लेकिन उसके जम के दौरान उसने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, उसने अपनी एनर्जी को लॉस किया, जिसकी वजह से वो वापस उसी ऑर्बिट में आके गिर जाएगा। समझ आई बात? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो फोर्थ सेंटेंस है वो इसी से रिलेट है कि अगर हम किसी एनर्जी लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी लॉस करेगा, तो उसकी वजह से वो वापस आके गिर जाएगा। तो उसके लिए अगर उसे किसी एनर्जी लेवल में जाना है, कंडक्शन बैंड में या उससे आगे वाले अपने ऑर्बिट में जाना है, मूव करना है, तो उसको चाहिए कि उसके पास मैक्सिमम डबल एनर्जी होगी, ठीक है। जब वो डबल एनर्जी होगी तभी वो जाके वहाँ होल्ड कर सकता है, वरना वो वापस आके अपने ही ऑर्बिट में गिर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ वर्ड्स लिख लेते हैं कि किस तरह से ये फोर पॉइंट्स बनेंगे, कंप्लीट होंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप वन शेल टू अनदर, इट विल गिव अप द एनर्जी एंड रिटर्न लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, उसके बाद वो वापस रिटर्न उसी लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाएगा जहाँ वो पहले मौजूद था, ठीक है। इसे एक पिक्चर के फॉर्म में हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं आपको, ताकि आपको और बात क्लियर हो जाए अच्छे से। तो भाई ये हमारे पास एक एटम के इंटरनल ऑर्बिट के जो है आपके पास एक फिगर नज़र आ रही है, जिसमें मैंने आपको इसकी एनर्जी कैप्स के बारे में यहाँ जो है एक पिक्चर बना दी है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हमारे पास ये कुछ एनर्जी गैप्स हैं। अब देखें इसमें हर एक स्पेसिफिक, ये जो बात हमने सेकंड में पढ़ी थी कि ईच ऑर्बिट शेल रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी रेंज, हर एक ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी रेंज है। अब इसकी, अब यहाँ आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ एनर्जी गैप्स बनाए हैं, इसके बीच में जो हर एनर्जी लेवल के बीच में जो ये गैप है, इसे हम एनर्जी गैप कहते हैं, इसी को क्रॉस करके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एनर्जी गैप के पास जो है ये स्पेस बहुत कम है, फिर इसके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी गैप है, इसका मतलब इसे बहुत ज़्यादा इसे जो है वो क्रॉस करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू इससे, क्योंकि इसके एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर लास्ट आ जाते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक ही होता है, एक ही बात होती है, ठीक है। हम अगर उसे इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैलेंस बैंड ही कंडक्ट करता है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक ही बात है, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हमारे पास ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि इस एनर्जी लेवल की मैंने एक अजम्पशन दे दी है कि मान लेते हैं यहाँ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और यहाँ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके जाना, इस एनर्जी लेवल से जम करके इस एनर्जी लेवल पे जाना चाहेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे इस तरह से कैलकुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि अगर उसे 1.8 पे जाना है और उसके पास, क्योंकि वो अभी इस स्टेट पे मौजूद है, ठीक है, अभी वो इस स्टेट में मौजूद है, अगर उसे जम करके इस कंडक्शन बैंड पे जाना है, जम करके इस कंडक्शन बैंड पे जाना है, तो होगा क्या कि इसे 1.8 माइनस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसके पास मौजूद है, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 के साथ साथ उसके पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो आगे जा सकता है, ठीक है, वरना वो उस ऑर्बिट तक कुछ छू भी नहीं सकता। हाँ, इतने
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से वो उसको छू तो सकता है, लेकिन शायद वो वहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि वो सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट कर देगा जम करने में, और फिर अगर उसकी एनर्जी दोबारा से 0.7 हो गई तो वो वापस से अपने ऑर्बिट में दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेमीकंडक्टर के चार्ज एंड कंडक्शन और कुछ फंडामेंटल लॉस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे डोपिंग के बारे में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी हिट कर दिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।